बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक की 8th पोयम जिसका नाम है द ट्री। एडविन रिच के द्वारा लिखी हुई बहुत ही प्यारी सी ये कविता है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पोयम नंबर 8 आज हम पढ़ने वाले हैं द ट्रीज। एडविन रिच इसकी पोएट हैं, उसका पार्ट फर्स्ट जिसमें आज हम पढ़ेंगे इस कविता की पूरी एक्सप्लेनेशन, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन मैं आपको करूंगी और उसको हिंदी में समझाऊंगी। तो बच्चों जो ये कविता है द ट्रीज़, इसको आपको दो तरीके से समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे जो पोएट हैं एडविन रिच, उन वो जो भी कविताएं लिखती हैं वो एक नारीवादी विचारों के साथ लिखती हैं और समाज के अंदर बदलाव लाने वाले जो मुद्दे होते हैं उनको वो बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंट करती हैं अपनी कविता के माध्यम से। तो ये हमारी जो कवित्री हैं, इन्होंने इस कविता के माध्यम से ये बताने की कोशिश करी है कि जैसे अगर हम लाइन टू लाइन पूरी कविता को पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग आपको एक डिफरेंट समझ में आएगा, और अगर हम जहाँ पर भी ट्रीज़ हैं उनको कंसीडर करते हैं, उसकी एक मानवीकरण कर लेते हैं या उसको एक स्त्री के साथ यानी एक महिला के साथ में अगर हम उसको कंपेयर करते हैं, ये मान के चलते हैं कि जहाँ पे भी ट्रीज़ की बात हो रही है वो महिलाओं की बात हो रही है, तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह के बदलाव की वो बात करती हैं। इस कविता के माध्यम से वो ये बताना चाहती हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने जंगलों को पूरा काट दिया है, जंगलों को के जितने भी पेड़ हैं उनसे हम अपने दिनचर्या के अंदर रोज़मर्रा में जो चीज़ें काम में आती हैं, जो हमारे ऐशो आराम में भी काम में आती हैं और जो हमारे डेली रूटीन में भी काम में आती हैं, उन चीज़ों को काम में लेने के लिए बनाने के लिए हमने बहुत सारे ट्रीज़ को जंगल से काट दिया है। जैसे फर्नीचर चाहिए होता है हमें, और भी ईंधन के लिए भी बहुत सारे यूज़ हैं ट्रीज़ के, पेपर के लिए बहुत मिनिमम नहीं बहुत सारे मैक्सिमम यूज़ हैं इसके, जिसके कारण कि हमने पेड़ों को काट काट के अपने घरों में काम लेना शुरू कर दिया है। और दूसरी चीज़ ये तो किया ही किया है, साथ में हम लोगों ने पेड़ों को घरों के अंदर उगाना शुरू कर दिया है, जहाँ पर जगह कम होते हुए भी वो एक संघर्ष सा करते रहते हैं बाहर निकलने के लिए। तो जो पेड़ हम घरों के अंदर ले आए हैं, तो उनका कहने का मतलब है कि प्रकृति जो है वो बाहरी होनी चाहिए, प्रकृति के अंदर जो पेड़ हैं वो जंगलों में होने चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, उनको काट के या तो अपने घरों में लेना शुरू कर दिया और या फिर हम पेड़ों को घरों के अंदर ही उगाने लग गए, जिसके कारण जंगल जो हैं बिल्कुल खाली हो गए हैं। अब जंगल खाली होने के कारण भी बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। किस तरह के नुकसान हो रहे हैं, जो हमारे पक्षी हैं बर्ड्स हैं उनको कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती, नहीं तो वो पेड़ के अंदर टहनियों पे बैठा करते थे, अपने घोंसले बनाते थे। जो हमारे कीड़े मकौड़े हैं जो पेड़ों की जड़ों के अंदर अपना जो रोज की जो उनको पोषण के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो जड़ों से प्राप्त करते थे और वहीं पर वो रहते थे, वो भी वहाँ पर नहीं रह पा रहे हैं। और सूरज की जो धूप है वो इतनी तेज़ गिरती है, क्योंकि जंगल खाली हो चुका है तो धरती भी तपती है, उसको भी रोकने वाला कोई नहीं है। तो यानी जो जंगल की जो खूबसूरती थी और जंगल के माध्यम से जितने सारे लोगों को जो फ़ायदा मिल रहा था वो नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हम जंगल खाली करते जा रहे हैं। और जिन पेड़ों को हम घरों के अंदर लेके आ गए हैं वो अभी एक तरह का संघर्ष कर रहे हैं घरों के अंदर से। मान लीजिए अगर हमने घर के अंदर कहीं पर कोई आंगन में पेड़ उगा रखा है तो वो उसको इतनी ही जगह मिलती है, फिर वो अपनी जड़ों को जो है वो बरामदे के नीचे से बाहर निकालने की कोशिश करता है, तोड़ के पत्तियां जो हैं टहनियां जो हैं खिड़की के माध्यम से बाहर जाने की कोशिश करती हैं, जो दरवाजे हैं उनके माध्यम से बाहर जाने की कोशिश करती हैं, और अगर कुछ नहीं मिलता तो जो शीशे हैं उनके साथ टकरा टकरा के एक संघर्ष सा करती हुई दिखाई देती हैं। ये सब चीज़ें हम इस पोएम में पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें इस कविता को दो तरह से पढ़ना है। एक हम इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेन मैं आपको करूँगी कि हर लाइन का क्या मतलब है, किस लाइन के द्वारा हम क्या समझाना चाह रही हैं कवित्री। दूसरी चीज़ हम इसमें ये भी देखेंगे कि सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, यानी क्या मानवीकरण किया गया है उस किस चीज़ का, जो महिला है महिला को किस माध्यम से ट्रीज़ को एक महिला के रूप में मान के किस तरह से महिलाओं की जो स्थिति है उसको समझाने की कोशिश करी है पोएट्स ने, कि महिलाएं जो हैं उनको पहले यही माना जाता था कि उनको घर पे ही रहना चाहिए, घर का ही काम करना चाहिए, दे आर नॉट मेंट टू गो आउटसाइड।
उनको घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर के बाहर काम करने नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि जैसा कि आज के जो युग है, ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन आज के जो युग में हम देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के साथ हर जगह कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, तो वही जो उम्मीद है जिस समय ये कविता लिखी है कवित्री ने, उस समय उनके दिमाग में यही चल रहा है कि अब रात रात का संघर्ष बचा है। जिस तरह से ये पेड़ जो हैं वो बाहर निकल के जंगल में चले जाएंगे, यानी यहाँ से वापस ये जंगल में चले जाएंगे, जिससे कि पक्षियों को बैठने की जगह मिलेगी और कीड़े मकोड़ों को उनकी जड़ों में अपना घर बनाने की जगह मिलेगी, और सूरज जो है वो उसकी जो रोशनी है, उसकी जो रेज़ हैं, उनको जब पत्तियां जो हैं वो अपने पोषण के लिए उसको अवशोषित करेंगी, उसको ग्रहण करेंगी, तो उसकी जो तेज़ रोशनी है वो नीचे ज़मीन पर नहीं पहुँचेगी, और पत्तियों से जो छाया होगी उससे पेड़ों के नीचे और जानवरों को छाया मिलेगी ताकि वो वहाँ पे रुक सकें। तो वैसे ही अब आज आखिरी रात है और इसके बाद में कल सुबह जब नया दिन उगेगा तो नए उगने के साथ ही महिलाएं जो हैं वो भी घरों के बाहर निकलेंगी और काम पर जाएंगी और इस दुनिया में, इस सृष्टि में नया परिवर्तन लेके आएंगी। घर की जिम्मेदारियाँ तो वो निभा ही रही हैं और वो बाहर की जिम्मेदारियाँ भी उठाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हम इस कविता में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम को। Can there be a forest without trees? क्या ऐसा कोई जंगल हो सकता है जिसमें पेड़ ही ना हो? तो बिना पेड़ों के जंगल किस काम का तो नहीं हो सकता। Where are the trees in this poem and where do they go? और अब इस कविता में हम पढ़ेंगे कि इस कविता के जो पेड़ हैं वो कहाँ हैं, where यानी वो कहाँ हैं and where do they go, और दूसरी बात कि वो कहाँ जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। The trees inside are moving out into the forest. अब जो हमारी पोएट हैं वो कहती हैं कि जो पेड़ हैं, अंदर के पेड़ यानी जो घरों के अंदर जो हमने पेड़ लगा रखे हैं, दे आर मूविंग आउट इंटू द फॉरेस्ट, अब वो जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, वो जंगल की तरफ जा रहे हैं। मूविंग आउट इंटू द फॉरेस्ट यानी घरों से वापस जंगलों की तरफ वो जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, और जो हमारा जो जंगल है, फॉरेस्ट यानी जंगल, और एम्प्टी का मतलब होता है खाली, जो जंगल अभी तक हमारा खाली था क्योंकि वहाँ पेड़ नहीं थे, ऑल दीज डेज इन सारे दिनों में, वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, क्योंकि जंगल नहीं था तो वहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं था, और पेड़ नहीं था तो कोई भी पक्षी नहीं बैठ पाता था, तो ऑल दीज डेज इन सारे दिनों में, वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जहाँ पे कोई भी पक्षी बैठ नहीं पाता था क्योंकि पेड़ नहीं थे, नो इंसेक्ट्स हाइड, और कोई भी जो कीड़े मकोड़े हैं वो हाइड यानी छिपना, अपने आप को छिपा नहीं सकते थे, अब क्योंकि ज़मीन के अंदर मिट्टी में जड़ों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े आपने देखे होंगे रहते हैं, तो वो उन्हीं का वहाँ ही घर होता है, वहीं से वो पोषण प्राप्त करते हैं, तो वो भी वहाँ पर नहीं थे, उनको छुपने की जगह ही नहीं थी क्योंकि पेड़ नहीं थे। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, और सूरज जो है उसकी जब किरणें हैं उसको फीट, उस सूरज की जो किरणें हैं जो रोशनी पड़ती है उसको फीट कहा गया है, उसको पैर से कंपेयर किया गया है, जैसे ऊपर से रोशनी आके नीचे तक ज़मीन तक टच होती है, तो जो सूरज की रोशनी पड़ती थी अगर जंगल नहीं था तो वो सीधा धरती पर गिरते थे, और अगर जंगल होता है, पेड़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पेड़ों के ऊपर ही उनकी रोशनी जो है पत्तियों में से थोड़ी थोड़ी छन छन के अंदर आती है, और पत्तियाँ जो हैं वो अपना खाना बनाने के लिए, अपना भोजन के लिए वहाँ से पोषण प्राप्त करती हैं, तो वो जो इतनी तेज़ रोशनी होती है वो ज़मीन तक नहीं पहुँचती, और उन पत्तियों की जो छाया होती है वो धरती को ठंडा भी रखती है, तो और भी लोग वहाँ पे विश्राम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती थी जब पेड़ होते थे, और पेड़ नहीं है तो जंगल खाली है, और जंगल खाली है तो ना तो पक्षी बैठ पा रहे हैं, ना वहाँ कीड़े मकोड़े हैं, और ना ही सूरज जो है वो अपने पाँव को, नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, तो बरी मतलब होता है छुपाना, तो अब जो सूरज है वो भी अपने पाँव को छुपा नहीं पा रहा उन छायों के नीचे, छाया यानी पत्तियों के अंदर से जब वो नीचे जाती हैं किरणें उसकी थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं से, तो उसके लिए बोला गया है कि छुपाना यानी अपने पाँव को ज़मीन पे छुपाना, अब वो डायरेक्ट ही नीचे तक आ जाते हैं, तो वो छाया में अपने आप को, उसकी शेडो में, पत्तियों की शेडो में अपने आप को नहीं छुपा पा रहा है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, और अब
कवि कहते हैं कि ये जो जंगल है, फॉरेस्ट यानी जंगल, दैट वॉज एम्प्टी, जो खाली था बिल्कुल, ऑल दीज नाइट्स, यानी इतनी रातों से ये जो पूरा जंगल खाली था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, और विल बी फुल ऑफ ट्रीज यानी वो पूरा का पूरा पेड़ों से भर जाएगा कल सुबह तक. क्यों? क्योंकि पेड़ जो हैं, जो जंगल बिल्कुल खाली हो गया था जहाँ से पेड़ गायब थे, अब जितने भी पेड़ आप लोगों ने घरों में लगा रखे हैं या जो बाहर हैं, वो सारे के सारे पेड़ वापस जो हैं फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब जो ये फॉरेस्ट है, ये जो जंगल है, ये वापस पेड़ों से भर जाएगा और कल सुबह तक आपको ये सारा का सारा बदलाव देखने को मिलेगा. एम्प्टी यानी खाली, इंसेक्ट यानी कीट या कीड़े मकोड़े, हाइड का मतलब होता है छिपना, बरी का मतलब होता है गाड़ना, और फीट का मतलब होता है पाँव. ऑल नाइट द रूट्स वर्क. अब ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे ये पेड़ जो हैं वापस घरों से जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरी रात इन पेड़ों की जो जड़ें हैं वो काम कर रही थी. ऑल नाइट, पूरी रात, द रूट्स वर्क कि जो जड़ें हैं वो काम कर रही हैं. टू डिसंगेज देमसेल्स फ्रॉम द क्रैक्स. डिसंगेज का मतलब होता है अपने आप को अलग करने में, यानी जो जड़ें हैं पेड़ की वो अपने आप को अलग कर रही हैं, यानी फैला रही हैं, और जिस बरामदे के नीचे वो जड़ें हैं वो फैला जब रही हैं तो वो क्या कर रही हैं, क्रैक्स पैदा कर रही हैं, यानी बरामदे को तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, वहाँ से उससे छुटकारा पाना चाह रही हैं, बढ़ना चाह रही हैं आगे. आपने एंगेज का मतलब देखा होगा, एंगेज का मतलब होता है किसी काम के अंदर आप एंगेज हो जाना, यानी उस काम के अंदर शामिल हो जाना, और उसका ऑपोजिट है डिसंगेज. डिसंगेज का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग हो जाना, किसी काम से अलग हो जाना. तो ये जो जड़ें हैं ये बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं, यानी फैल रही हैं, वहाँ से दूर होने की कोशिश कर रही है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, बरामदे के नीचे से उस बरामदे को तोड़ के उसमें जो तराड़े हैं वो आ गई हैं ताकि वो आगे बढ़ सके वहां से. टू डिसंगेज देमसेल्स फ्रॉम द क्रैक्स, और वो जो क्रैक्स हुए हैं यानी जो दरारें पड़ गई हैं उनके अंदर से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, अलग होने की कोशिश कर रही हैं वहां से. इन द वरांडा फ्लोर, और कहां निकल रही हैं, वो जो बरामदा है, वरांडा यानी बरामदा है, उसके फ्लोर पर, उसके जो फर्श बना हुआ है उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं. क्रैक्स यानी दरारें और वरांडा यानी बरामदा. आगे देखते हैं, द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, और जो छोटी छोटी जो पत्तियां हैं, लीव्स यानी पत्तियां, स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्रास, वो ग्लास की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, यानी स्ट्रेन का मतलब धक्का दे रही हैं, ग्लास को धक्का दे रही हैं, क्योंकि घर के अंदर जो पेड़ हैं वो जहाँ पे भी कहीं पे बढ़ रहे हैं, और वहाँ अगर मान लो कोई ग्लास आ गया उस तक अगर वो पत्तियाँ पहुँच गई हैं तो ऐसा लगता है कि वो उसको धक्का देने की कोशिश कर रही हैं. स्ट्रेन का मतलब होता है झुकना, धक्का देना, उसको झुकना यानी उसके ऊपर जोर लगाने की वो कोशिश कर रही हैं. टूवर्ड्स द ग्लास यानी उस कांच की तरफ, उस शीशे की तरफ. स्मॉल ट्विक्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, और स्मॉल ट्विक्स, स्मॉल मतलब होता है छोटा, और ट्विक का मतलब होता है छोटी छोटी जो टहनियाँ होती हैं, कोमल कोमल, उनको ट्विक्स बोलते हैं. तो जो स्ट्रेन का मतलब होता है झुकना, और ट्विक्स का मतलब होता है कि जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं वो स्टिफ हैं, यानी वो सख्त हो गई हैं. किस चीज़ से? विथ एक्सर्शन, कि अपने आप को संघर्षरत करते हुए, यानी बढ़ने का संघर्ष करते हुए, बाहर निकलने के संघर्ष में वो छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं वो भी अब थोड़ी सी सख्त हो गई हैं, मुलायम हुआ करती थी. ट्विक्स यानी छोटी टहनियाँ, और स्टिफ का मतलब होता है सख्त हो जाना. लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग, लॉन्ग क्रैम्प्ड एक्सर्शन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा काम करने के कारण जो छोटी टहनियाँ हैं वो थोड़ी सख्त हो गई हैं. लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग, क्रैम्प्ड का मतलब होता है मुड़ जाना, मुड़ी हुई होना. बड़ी बड़ी जो टहनियाँ हैं वो मुड़ गई हैं. बोज शफलिंग, बोज का मतलब होता है शाखाएँ, कि छोटी जो टहनियाँ हैं वो सख्त हो गई हैं रगड़ लग लग के, और जो बड़ी टहनियाँ हैं वो क्रैम हो गई हैं. बोज यानी बड़ी टहनियाँ, और क्रैम्प्स का मतलब मुड़ गई हैं, जो बड़ी टहनियाँ हैं वो मुड़ गई हैं. शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, शफलिंग का मतलब होता है एक ही जगह पे अगर चीज़ हिलती रहती है, रगड़ खाती है, तो शफल करते हुए यानी बार बार हिलने और रगड़ लगने के कारण जो बड़ी टहनियाँ हैं वो झुक गई हैं. अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, और कहाँ पर वो झुक गई हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर एक
पेड़ है और उस पेड़ को जगह नहीं मिल रही है बढ़ने की, तो जहाँ से भी उन टहनियों को जगह मिलेगी, खिड़की दरवाज़ों के माध्यम से या जहाँ पे भी थोड़ी बहुत जगह होगी, वहाँ से वो जो टहनियाँ हैं वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। तो जो कोमल टहनियाँ हैं वो तो सख्त होती जा रही हैं रगड़ लग लग के, और जो लंबी जो टहनियाँ हैं वो थोड़ी झुक गई हैं, क्योंकि वो भी संघर्ष कर रही हैं कहीं से भी निकलने के लिए, तो उनको भी संघर्ष करना पड़ रहा है। वो झुक गई हैं बड़ी टहनियाँ और वो शफलिंग कर रही हैं अंडर द रूफ, यानी जो आपकी छत है उसके नीचे से जहाँ भी वो मुड़ी हुई हैं, उनको जगह नहीं मिल रही, तो वो वहीं भी बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, तो थोड़ी मुड़ गई हैं और उसी के साथ टकरा टकरा के वो भी एक आवाज़ सी कर रही हैं अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, और बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं उस छत के नीचे से जहाँ पे भी उनको जगह मिल जाए। कैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, इसको कंपेयर किया है एक मरीज़ से, कि जिस तरह से कोई आप देखते हैं हॉस्पिटल में मरीज़ होता है, जब वो कई दिन हॉस्पिटल में रह जाता है अपने इलाज के लिए जाता है, और जब उसको छुट्टी मिलती है तो वो फटाफट बाहर आने की कोशिश करता है, हालांकि उसके दिमाग में उसके शरीर में थोड़ा दवाइयों का असर होता है, तो वो थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर थोड़ा कम होता है, पर लेकिन उसके का जो मन होता है वो वहाँ से भागने का करता है, बाहर निकलने का करता है, तो थोड़ा उन दवाइयों का असर भी उसके ऊपर होता है, लेकिन फिर भी उसका जुनून इतना ज़्यादा होता है कि वो बाहर निकलने के लिए जैसे भागता है कि भाई मुझे इससे छुट्टी मिल गई तो मैं फटाफट उससे बाहर निकल जाऊं, उसी तरह का संघर्ष जो टहनियां हैं छत के नीचे जो मुड़ गई हैं वो भी कोशिश कर रही हैं कि हम किसी तरह से हमें यहाँ से आज़ादी मिल जाए, हम बाहर की तरफ निकल सकें। तो अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, तो जिस तरह से न्यूली डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब होता है छुट्टी मिलना, पेशेंट का यानी मरीज़, तो जिस तरह से एक मरीज़ को अस्पताल से छुट्टी मिलती है और बाहर भागने की कोशिश करता है, वैसे ही ये जो छत के नीचे जो बड़ी टहनियाँ हैं छोटी टहनियाँ हैं ये भी रगड़ खा रही हैं, कोशिश कर रही हैं, जो एकदम कोमल टहनियाँ हैं वो भी सख्त हो गई हैं, लेकिन वो प्रयासरत हैं। हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर, हाफ डेज्ड का मतलब यहाँ पर, डेज्ड का मतलब है भौचक्का सा, यानी आधे भौचक्के से, कह रहे भाई छुट्टी मिल गई बाहर निकलो यहाँ से, तो वो जो पेशेंट है वो आधा भौचक्का सा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वैसे ये टहनियाँ भी अपने आप संघर्ष कर रही हैं कि इनको भी बाहर निकलने का मौका मिल जाए। तो हाफ डेज यानी आधा भौचक्का सा जो मरीज़ है, जैसे छुट्टी मिली है उसको, मूविंग टू द क्लिनिक डोर, क्लिनिक का मतलब हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल के दरवाजे की तरफ जल्दी जल्दी चलता है कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि उसको वापस अपने घर जाना है, उस माहौल से बाहर निकलना है, वैसे ही इन बड़ी टहनियों को और छोटी टहनियों को भी कंपेयर किया है कि ये भी प्रयास कर रही हैं, जिस तरह से जड़े जो हैं वो प्रयास कर रही हैं बरांडे से बाहर निकलने का, वहाँ से अलग होकर बाहर जाने का, तो ये जो पूरा पेड़ है ये पूरा संघर्ष में जुटा हुआ है कि जैसे भी करके हमें यहाँ से निकलना है और जंगल की तरफ जाना है। आगे देखते हैं, रूफ मतलब होता है छत, और जिस डिस्चार्ज का मतलब होता है छुट्टी मिलना, क्लिनिक यानी अस्पताल। आगे चलते हैं, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, अब जो पोएट हैं वो कहते हैं कि मैं अंदर बैठी हूँ, यानी मैं मेरे घर के अंदर बैठी हुई हूँ, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन, और दरवाजे जो हैं वो घर के खुले हुए हैं, टू द वरांडा, टू द वरांडा का मतलब है बरामदे की तरफ जो गेट है वो खुला हुआ है, यानी मुझे वो ऐसी जगह बैठी हैं जहाँ से गेट खुला है और वहाँ से उनको जो उनका घर का जो बरामदा है वो दिखाई दे रहा है, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और वो लंबे पत्र लिख रही हैं, इन विच, और वो कहती हैं कि वो जो पत्र मैं लिख रही हूँ, इन विच, उनके अंदर, आई स्केयर्सली मैंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, स्केयर्सली मतलब कि बिल्कुल ही ना के बराबर ही वो वर्णन करती हैं इस चीज़ का, पत्र लिख रही हैं लेकिन उन पत्रों में वो ये नहीं बताना चाह रही हैं, लिखती नहीं हैं कि किस तरह से ये जो पेड़ हैं ये संघर्ष कर रहे हैं वरांडे से बाहर निकलने का या जंगल की तरफ जाने का, पत्र लिख रही हैं लेकिन उसमें इनका वर्णन उन्होंने नहीं किया, ना के बराबर, स्केयर्सली यानी मुश्किल से बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, मैंशन यानी जिक्र करना, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, यानी कि घर के अंदर से जो जंगल है वो वापस कहाँ, जंगल की तरफ ये जो पेड़ है वो बढ़ रहे हैं, तो मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, यानी कि उनका कहने का मतलब जब पेड़ ही जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं तो यानी जंगल ही जो घर में कैद था वो वापस जंगलों की तरफ जा रहा है, ये समझाना चाह रही हैं वो।
स्कार्सली यानी मुश्किल से, डिपार्चर यानी प्रस्थान करना। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपने कमरे में बैठी हुई हैं, डोर खुला है, सामने बरांडा है जिसको वो आराम से देख सकती हैं, जहाँ खूब सारे पेड़ भी हैं और उनको पता है कि ये पेड़ जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं वापस जंगल में जाने का। तो वो ये कह रहे हैं कि अब जंगल से, घरों से वापस जंगल की तरफ जब ये पेड़ जाएंगे, यानी जंगल वापस जंगल की तरफ बढ़ रहा है, उसका वो जिक्र नहीं करती कुछ अपने पत्रों के में। और फ्रेश का मतलब होता है ताज़ी, शाइन्स का मतलब होता है चमकना। द नाइट इज़ फ्रेश, और किस तरह का समय है जब वो वहाँ लिख रही हैं, वो रात के समय ये पत्र लिख रही हैं, बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा महसूस कर रही हैं, रात्रि बहुत ताज़ा है। द होल मून शाइन्स, और जो पूरा जो चांद है वो चमक रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, और कहाँ चमक रहा है, आसमान में, जो पूरा आसमान है उसके अंदर वो मून जो है वो पूरा चमक रहा है, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। होल मून यानी पूरा का पूरा चांद, शाइन्स यानी चमकना। इन द स्काई स्टिल ओपन, और ऐसे आसमान में जो अभी पूरा का पूरा खुला है, खुले आसमान में वो चांद चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइचन, और अब जो कवियत्री हैं उनको क्या समझ में आ रहा है, क्या सूंघ रही हैं वो। स्मेल का मतलब होता है खुशबू, अब उनको स्मेल ऑफ लीव्स, उन पत्तियों की खुशबू जो है वो आ रही है, और लाइचन का मतलब होता है शैवाल। तो शैवाल की भी उनको, जो शैवाक जो है उसकी भी खुशबू उनको आ रही है, जो पेड़ों के ऊपर थोड़ी काई सी जम जाती है, थोड़ा फंगस और काई का जो मिक्सचर होता है उसको शैवाक बोलते हैं, उसकी खुशबू भी उनको आ रही है, वो स्मेल कर पा रही हैं पत्तियों को और शैवाक को। Still reaches like a voice into the rooms. Still reaches यानी अभी भी, reaches यानी पहुँच रही है, like a voice into the room, आवाज़ की तरह जो उनकी फुसफुसाहट है, सरसराहट है, वो उनके कानों में पहुँच रही है, जो कमरे के अंदर वो बैठी हुई हैं, तो भी बाहर से जो पेड़ों की जो आवाज़ें हैं और लाइचन की खुशबू जो है और पत्तियों की खुशबू है वो उनके नाक तक, और जो इनकी जो आवाज़ें हैं हल्की सी वो उनके कान तक पहुँच रही हैं। आगे देखते हैं, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, अब वो कहती हैं कि मेरा हेड यानी सिर जो है वो भर चुका है इनकी फुसफुसाहट से। विस्पर्स का मतलब होता है धीरे धीरे, अगर कोई बाता करता है, कानाफूसी टाइप करते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, उसको विस्पर्स बोलते हैं। तो ये कह रही है कि जो पेड़ की जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, पत्तियां जो आपस में बात कर रही हैं और उसकी जो फुसफुसाहट है वो मेरे कानों में पहुंच रही है, मेरा सिर जो है पूरा वो उन फुसफुसाहटों से भर चुका है, वो आवाज़ें मेरे कान में आ रही हैं। विच टुमारो विल बी साइलेंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस कविता की, जो कल शांत हो जाएंगी। ऐसा क्यों कह रही हैं कवित्री कि अभी तक ये पेड़ घरों के अंदर हैं, क्योंकि अब ये वापस जंगलों की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, चले जाएंगे, तो जब ये पेड़ यहाँ से चले जाएंगे जंगल में तो यहाँ बिल्कुल शांति हो जाएगी, यहाँ कोई भी आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी। विच टुमारो विल बी साइलेंट, यानी कल यहाँ पे बिल्कुल शांति होगी क्योंकि ये पेड़ यहाँ से जंगल में चले जाएंगे, वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, और फिर वो कहती हैं कि अब सुनो, रात को कह रही हैं वो कि रात में संघर्ष कर रहा है पेड़, और ये कल तक जितने पेड़ हैं ये जंगल में चले जाएंगे। और इसी के बीच में वो कहती हैं कि सुनो, मुझे ग्लास के टूटने की आवाज़ सुनाई दी, यानी जो टहनियाँ धक्का लगा रही हैं, झुकी हुई थी ग्लास के ऊपर, उन्होंने उसको तोड़ दिया, वहाँ से वो बाहर निकल गई हैं। लिसन यानी सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, कि कांच जो है वो टूट रहा है, उसकी आवाज़ सुनो। द ट्रीज़ आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड्स, और ट्रीज़ यानी जो पेड़ हैं, स्टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ा के चलना, फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ, और अब जो पेड़ हैं वो घरों से आज़ाद हो चुके हैं और वो लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं और फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं, लड़खड़ाते हुए, धक्का मुक्की करते हुए। इनटू द नाइट, इनटू द नाइट बोला गया कि उस रात में, रात के अंदर घुस गए, यानी वो घरों से निकल गए हैं और जंगल के अंदर जाते हुए महसूस कर पा रही हैं वो। Winds rush to meet them, और जब ये पेड़ जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं तो सामने से जो हवा है वो रश कर रही है, यानी भागते हुए आ रही है उनसे मिलने के लिए। Wind rush to meet them, और हवा जो है बहुत तेज़ी से उन पेड़ों की तरफ, एक तरफ से पेड़ बढ़ रहे हैं जंगल की तरफ और जंगल की तरफ से जो हवा आ रही है वो भी उन पेड़ों से मिलना चाहती है, तो वो भी बढ़ रही है। टू मू द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, और जो चाँद है वो टूट गया है, जैसे कोई शीशा टूट जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं, वैसे अब जो चांद है वो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स पीसेस फ्लैश ऑन नाउ इन द क्राउन,
द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक. ओक मतलब होता है बलूत का पेड़. अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि जंगल के अंदर ये पेड़ पहुंच चुके हैं और बहुत बड़े बड़े भी पेड़ हैं, तो जो चांद बिल्कुल पूरा चमकता हुआ दिखाई दे रहा था वो अब इन पेड़ पहुंचने के कारण इसके अंदर से पूरा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि पत्तियों के से अंदर से जब हम देखते हैं तो हमारे को पूरा चांद नहीं दिखता, थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिखता है उसका. तो ऐसा लगता है जैसे कांच टूट के बिखर जाता है, वैसे ये चांद जो है वो कांच की तरह टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके टुकड़े दिख रहे हैं. और बलूत का जो सबसे लंबा पेड़ है उसके ऊपर तो वो चांद ऐसे चमक रहा है टुकड़ों में जैसे कि उसका मुकुट बन गया हो. ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरती से समझाया है कि वो चांद जो पूरा दिखाई दे रहा था, जो पूरा जो फॉरेस्ट था जो खाली दिखाई दे रहा था बिना पेड़ों के, जैसे ही पेड़ वहाँ पहुँचे उसके भी छोटे हमें टुकड़े दिखाई देने लग गए. और पेड़ों की पत्तियों के अंदर से जब हम देखते हैं और जो बलूत का जो पेड़ है उसके ऊपर वो जो चांद है उसके वो टुकड़े जो दिख रहे हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे उसने मुकुट पहन रखा है. प्राकृतिक रूप से बहुत ही खूबसूरती से इसमें वर्णन किया गया है. तो चलिए आगे देखते हैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स. विस्पर्स मतलब होता है कानाफूसी करना, स्टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए, रश का मतलब होता है चले जाएंगे, और ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ, और मिरर का मतलब होता है कांच. तो ये जो लास्ट पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा इस कविता का, इसमें जिस तरह से पेड़ आज़ाद होके जंगल में पहुंच चुके हैं वैसे ही कवि कहती है कि एक अब कल सुबह जब होगी तो उस समय ये जो स्त्रियां हैं जो हमारी विमेन हैं उनको उन्होंने एम्पावर करने की कोशिश करी है कि वो भी अपने सारे बंधनों को तोड़ के बाहर निकल जाएंगी घरों से और नए समाज में नए तरीके से नए नई चीज़ों में वो भाग लेंगी और बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेंगी, सफलता हासिल करेंगी और अपने आप को एक्सप्लोर करेंगी जिस भी फील्ड में वो कुछ करना चाहती हैं, जिनके अंदर उनको महारत हासिल है, जो वो चाहती थी कि हम ये करें वो अब बिल्कुल खुले तरीके से वो सारी की सारी चीज़ें कर पाएंगी. तो आखिर में सिंबलाइज किया है कि जिस तरह से पेड़ जंगलों में बढ़ गए, वापस बाहर चले गए घरों से निकल के, वैसे ही घरों के अंदर जो महिलाएं कैद हैं, कैद नहीं कह सकते, बंद भी नहीं कह सकते, ऐसे कह सकते हैं कि जिनको ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौके मिले ही नहीं थे, या जिनको यही माना जाता था कि इन्हें घर में ही रहना चाहिए, अब उन्हें समझ में आ गया है कि हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हम भी सक्षम हैं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं और कल सुबह एक नया बदलाव आएगा. उसके साथ इन्होंने कंपेयर किया कि जब महिलाएं घरों के बाहर निकल के कोई भी काम के लिए निकलेंगी तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा. अभी तक हम जो देख रहे थे वो अधूरा था, लेकिन महिलाओं के जाने से वो पूरा हो जाएगा. उसी तरह से जिस तरह से पेड़ अगर हम घरों में कैद कर देते हैं तो जंगल खाली हो जाता है, उसका कोई मायने नहीं है, वो किसी की मदद नहीं कर सकता, किसी के काम नहीं आता, उसी तरह से जब महिलाओं को अगर हमने पूरी आज़ादी नहीं दी तो वो अपने आप को पूरा फ्लरिश नहीं कर पाएंगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी, तो उससे समाज में विकास भी नहीं हो पाएगा. तो अब कल जो दिन उगेगा वो एक नया दिन होगा, नई सुबह होगी और सब जो महिलाएं हैं वो जो विमेन हैं वो बाहर निकलेंगी और काम पे जाएंगी. हमारी जो पोएट है वो इस चीज़ पे बहुत ज़ोर देती हैं कि पुरुष और महिलाएं बराबर हैं, हमें उनको बराबर का दर्जा देना चाहिए, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं है. तो बहुत ही प्यारी सी कविता जिसमें पेड़ों के माध्यम से स्त्रियों की जो स्थिति है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है. और अगर आपको कविता को बहुत अच्छे से समझना है तो लाइन टू लाइन तो हम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन आपको इसके अंदर जो छुपा हुआ मीनिंग है उसको भी समझना पड़ेगा, जो कवित्री इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहती हैं कि विमेन जो है वो बाहर निकलेंगी तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और कल सुबह नया दिन उगेगा जब वो बाहर निकल जाएंगी, जैसे ये पेड़ रातों रात यहाँ से निकल के जंगल पे चले गए हैं, आज़ाद हो गए हैं. तो आई होप बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से पोएम समझ में आई होगी. आप लोग इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स याद कीजिएगा. हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए. थैंक यू.